हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? एफएम हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। सर, इकोनॉमिक्स को एफएम में लाने का पर्पस क्या था? एक्चुअली देखिए, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड कंट्री एज अ होल, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक हम स्पेसिफिक कंपनी की बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स माइक्रो होती है, मैक्रो होती है। इकोनॉमिक्स जो सारी फर्म्स पे लगती है या फिर कंट्री एज अ होल, हम वैसी इकोनॉमीज पढ़ते हैं, हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, हम फॉरेन इकोनॉमी पढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि हमने सिर्फ फाइनेंस के बारे में तो बता दिया, लेकिन हमें ये देखना था कि अगर हमें एक कंट्री को जज करना है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने रेशियोस से जज करा है कंपनी को, अगर हमें एक कंट्री को जज करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, तो उसके लिए भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे कोर्स करिकुलम में। The purpose was only this, to launch this particular subject in CA Inter. कुछ portion CA Foundation में भी लाया गया, reason being, the point behind all this was कि हमें सिर्फ FM नहीं पढ़ाना, हमें साथ में economics का भी role बताना है हमारी day-to-day life के अंदर। So that's how economics has been introduced. आज चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो लेट्स गो। सबसे पहली यूनिट है इसके अंदर नेशनल इनकम अकाउंटिंग की। सर, व्हाट्स दिस नेशनल इनकम अकाउंटिंग? देखो बेटा, सबसे पहले समझो नेशनल इनकम मतलब क्या होता है। नेशनल इनकम का मतलब होता है सारी कंट्री की इनकम। सर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, नेशन की इनकम क्या हो गई? नेशनल इनकम। सर, ये अकाउंटिंग यहां भी आ गई। सर, ये अकाउंटिंग क्या चीज है? बेटा देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि नेशनल इनकम होता क्या है, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू कि उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए। अकाउंटिंग एज इन, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो आप अकाउंटिंग कर रहे हो, बट वेन इट कम्स टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इट मीन्स कि आप नेशनल इनकम को अकाउंट कैसे करोगे। अकाउंट मतलब इसको कंप्यूट कैसे करोगे। तो मेजरली जो इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलता है वो आप ये देखते हो कि हाउ टू कंप्यूट नेशनल इनकम, जिसको मैं स्मॉल में NI बोलता हूं। नेशनल इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है, ये हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर, ये क्या लिख दिया? सर, हमें समझ नहीं आया इन्होंने क्या बोला। बेटा देखो, कहता है नेट वैल्यू, एक एक वर्ड को आराम से पढ़ेंगे तभी हमें थ्योरी समझ में आएगी। ये चैप्टर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी है, थ्योरी ओरिएंटेड भी है, बट ये जो सब्जेक्ट है वो थ्योरी ओरिएंटेड है, इसलिए इस पे हमें एक एक वर्ड पे बहुत अच्छे से फोकस रखना होगा। सो व्हाट इज दिस? इट इज अ नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स। सबसे पहले तो समझते हैं इकोनॉमिक क्या होता है। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? विच कैन बी सोल्ड एंड विच हैज अ वैल्यू। आगे जाके हम इकोनॉमिक गुड्स की बात करेंगे, नॉन इकोनॉमिक गुड्स की बात करेंगे। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक गुड्स के साथ सर्विसेज भी आ गई, वन एंड द सेम थिंग। प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कहां पर हो रही है? अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो जो भी इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, साथ के साथ अगर हम अब्रॉड से कुछ फैक्टर इनकम अर्न कर पा रहे हैं। फैक्टर मतलब क्या?
सिर्फ फैक्टर क्या है ये, फैक्टर हो गया आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, आपको लैंड चाहिए होती है, उसके लिए आपको रेंट देना पड़ता है। इट इज अ फैक्टर विच इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने क्या बोला, नेशनल इनकम का मतलब हुआ नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब अगर इंडिया की बात करूं तो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी प्रोडक्शन होती है यहाँ पर, साथ के साथ कोई हम फैक्टर इनकम बाहर से कमाते हैं, सब कुछ नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाने वाला है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैटिस्टिक्स रखती है कंट्री का, उन्होंने क्या बोला, क्योंकि हमें तो वही लिख के आना है पेपर में, उन्होंने बोला नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड। क्या बोला उन्होंने, जो भी फैक्टर इनकम जनरेट की गई, फैक्टर इनकम कौन जनरेट करता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको जो इनकम अर्न हो रही है, किनको अर्न हो रही है, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। चार टाइप के कितने बोले, वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है, जब हम सारी फैक्टर इनकम्स का टोटल कर देते हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी, जिसमें आ गया आपका रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड योर वेजेस, तो चारों चीजों का सम टोटल इज योर नेशनल इनकम। उसके ऊपर मैंने क्या बात करी थी, ऊपर मैंने बात करी थी गुड्स एंड सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम के बारे में बात मैं कर रहा हूं। अब समझते हैं यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टीमेट्स। अब कहना क्या चाहता है, सबसे पहले तो ये समझो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है, ये कहता है पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ नेशनल इनकम। अरे मेरे भाई, हम नेशनल इनकम निकाल क्यों रहे हैं, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस, व्हाई इट इज यूज्ड। उन्होंने बोला फॉर एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग द शॉर्ट रन परफॉर्मेंस एक एन इकोनॉमी। अब मुझे अगर पता करना है एक इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, मैं सबसे पहले उसकी नेशनल इनकम देखूंगा, मैं देखूंगा उनके इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या है। अगर मैं सम टोटल कर दूं फैक्टर इनकम्स का, तो उसका टोटल क्या है, उससे मुझे क्या पता लग जाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है शॉर्ट रन में। क्यों बोला मैंने शॉर्ट रन, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया था नेशनल इनकम एक अकाउंटिंग ईयर के लिए निकल रही है। अगर आप ये बोलो कि हम 5 साल के लिए एक साथ नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो आंसर इज नो, नेशनल इनकम एक अकाउंटिंग ईयर के लिए कैलकुलेट की जा रही है। इसलिए अगर हमें इवैल्यूएट और एनालाइज करना है किसी की परफॉर्मेंस, तो हम वो शॉर्ट रन में कर सकते हैं बट नॉट इन द लॉन्ग रन। तो सेकेंड पॉइंट आता है डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनेबल्स बिजनेसेस टू फोरकास्ट द फ्यूचर डिमांड। देखो बेटा, हमने क्या बोला, इट इज द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये टोटल डेफिनेशन थी नेशनल इनकम की, दैट इज फाइन। इसमें क्या बोला गया, इन्होंने बोला बेटा कि हमें जब पता है कि इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितने बन रहे हैं, वो किसके ऊपर बन रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, ठीक है जी, प्रोड्यूस होंगे तभी तो बिकेंगे ना, तो हमें पता है डिमांड, हमें पता है कि डिमांड का पैटर्न कैसा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इस साल अगर 40,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई, इस साल अगर 40,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई एंड नेक्स्ट ईयर इट्स लाइक 50,000, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 10,000 यूनिट्स मेरी इंक्रीज हो रही है हर साल। अगर नेक्स्ट ईयर 60,000 होती है, तो मुझे एक पैटर्न पता चल गया कि हाँ, हर साल मेरी 10,000 डिमांड बढ़ रही है, तो क्या मैं फ्यूचर की डिमांड पता कर सकता हूं। द आंसर इज यस। सो दिस इज हाउ नेशनल इनकम यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग द फ्यूचर डिमांड।
थर्ड पॉइंट इज डिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड द ग्रोथ. अब एक इकोनॉमी का वेलफेयर कैसे होगा वो डिपेंड करेगा उसकी नेशनल इनकम पर. उसकी नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ऐसा तो नहीं है नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ हाई इकोनॉमी वालों के पास ही है. जो हाई एंड यूजर्स हैं, जो ऑलरेडी रिच हैं, वो रिच हुए जा रहे हैं, जो पुअर हैं, वो रिच नहीं हो पा रहे या उन तक नेशनल इनकम नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है. तो द पॉइंट इज कि इकोनॉमिक वेलफेयर तभी होगा जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपकी नेशनल इनकम का. तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर का बहुत ज्यादा जो डिपेंडेंस है वो नेशनल इनकम के ऊपर है. लास्ट पॉइंट में सेकंड लास्ट पॉइंट है आपका, हेल्प्स गवर्नमेंट इन फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स. अब गवर्नमेंट नेशनल इनकम के बेसिस पे टारगेट्स फिक्स करना स्टार्ट कर देती है. लास्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज. गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, उस इकोनॉमिक पॉलिसीज के बेसिस पे ही तो नेशनल इनकम हुई एंड उस नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ. अब नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली हुआ है या नहीं हुआ है वो पता चल सकता है. वो पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी वो कितनी ज्यादा अच्छी थी या नहीं थी, हम उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन इवैल्यूएट द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी कैन एनालाइज एंड इवैल्यूएट द शॉर्ट रन परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी. द सेकंड पॉइंट इज वी कैन डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ डिमांड. द थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक वेलफेयर इज totally dependent upon the national income and other factors. The next point is it helps government in fixation of targets. And the last point which I told you, it's economic policies evaluation of government. Fine. Now let's talk about different concepts of national income. बहुत सारे concepts हैं national income के, वो discuss करते हैं. National income accounts have three sides: a product side, an expenditure side and an income side. So what is this? सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखो मैं लिखा ही हुआ है, मैं इसी से समझा देता हूं आपको. Product size measures production based on concept of value added. Value added का concept क्या होता है? देखो बेटा, production करते हो, वैल्यू एडिशन ही नहीं होगी, आपको कैसे पता चलेगा आपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना इज योर वैल्यू एडिशन. सो आप प्रोडक्शन मेजर करते हो सबसे पहले तो कितनी प्रोडक्शन करी आपने. उस प्रोडक्शन से क्या होता है, उस प्रोडक्शन से देखो लास्ट पॉइंट क्या बोलता है उसके बाद, द एक्सपेंडिचर साइड लुक्स एट द फाइनल सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सपेंडिचर साइड क्या कहता है, इसका फाइनल सेल होना. ठीक है जी, सबसे पहले क्या हुई, प्रोडक्शन हुई, उसके बाद फाइनल सेल. अब क्या होगा, जो बेचोगे प्रोडक्ट को उससे क्या होगी, इनकम होगी. तो थर्ड साइड कौन सी होगी सर आपकी, इनकम साइड मेजर्स, इनकम साइड मेजर्स the distribution of the distribution of the proceeds from sales to different factors of production. अब देखो, एक आपको लैंड चाहिए होती है, आपको लेबर चाहिए होती है. लैंड के लिए आप रेंट देते हो, लेबर के लिए आप वेजेस देते हो. अब एक बात बताओ, उन्होंने प्रोडक्शन करी, उस प्रोडक्शन को सेल आउट करा, कौन सा मेथड लगा, एक्सपेंडिचर. उस सेल से प्रॉफिट हुआ, ठीक है, या उस सेल से इनकम आई, वो इनकम भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. तो तीन, जैसे कहते हैं ना, एक कॉइन के दो साइड होते हैं. नेशनल इनकम के तीन साइड्स हैं, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम. अब समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट. सबसे पहले समझेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको मैंने बोला जीडीपी एमपी. स्मॉल में एमपी यूज कर रहा हूं अभी. एमपी का मतलब क्या होता है, एमपी माने मार्केट प्राइस. अभी इन डिटेल बात करेंगे, हम इसे मार्केट प्राइस क्यों बुलाते हैं. इट इज अ मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस्ड
within the domestic territory of a country during a given time period. सर ये तो ऊपर से चला गया बेटा. देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे पहला वर्ड जो आता है बेटा वो है आपका ग्रॉस. ग्रॉस माने क्या? इसके अंदर डेप्रिसिएशन है. लिख लो बेटा, इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन. आपको याद होगा ग्रॉस और नेट में फर्क सिर्फ आपका डेप्रिसिएशन का ही होता था. मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज का आपने करा टोटल, जिसमें आपने डेप्रिसिएशन रखा. जो भी आपकी इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, वो आपका क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया. इट इज इन फैक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस बिकॉज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय द कॉमन मेजरिंग यूनिट ऑफ मनी एंड इट इज एवैल्यूएटेड एट मार्केट प्राइस. अब इन्होंने क्या बोला, मार्केट प्राइस पे क्यों लेते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को? क्योंकि बोला भाई अगर हमें एक यूनिट ऑफ मनी चाहिए, एक कॉमन मेजरिंग यूनिट ऑफ मनी चाहिए, तो वो हमारी क्या होगी? वो हमारी मार्केट प्राइस हो सकती है. बिकॉज जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, वो एक्चुअली कहाँ जाने वाले हैं? मार्केट में जाने वाले हैं. मार्केट में उनका क्या प्राइस रहेगा? दैट वी नो. सो वी कैन बेसिकली वैल्यू दोस फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट द मार्केट प्राइस. देखो बेटा जीडीपी एमपी में क्या लिखा उसने, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. व्हाट इज दिस इंटरमीडिएट कंजम्पशन? इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज द पर्टिकुलर रॉ मटेरियल. मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मुझे अगर कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए मैंने कुछ इनपुट यूज करा, तो क्या मैं उस इनपुट की वैल्यू को ऐड कर सकता हूं अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर? बिकॉज मेरे वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर ऑलरेडी मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन एडेड है. बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बेटा, मुझे चाहिए वैल्यू एडेड, कि मेरी वैल्यू कितनी ऐड हो रही है मेरे इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब मेरे इनपुट्स हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के काम आते हैं, बीच में कंज्यूम होते हैं, दैट इज योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो मैंने क्या बोला, दिस इज माय सिग्मा वैल्यू एडेड. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले उन्हें समझते हैं. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. वैल्यू एडेड मींस द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये आप ऑलरेडी जानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंसिस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड एज इनपुट्स बाय अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इसका मतलब क्या है? ये आपके क्या हो गए? ये आपके इनपुट्स हो गए. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एनी नेशन रिप्रेजेंट्स द सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड विदाउट डिस्काउंटिंग फॉर कैपिटल कंजम्पशन और डेप्रिसिएशन इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द सेड ईयर. जीडीपी क्या कहता है? जो भी आपने वैल्यू एड करी जिस भी इकोनॉमी के अंदर, जो भी सेक्टर्स थे आपके, सारा का सारा आपको क्या करना है? एड करना है. इसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरमीडिएट गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स रादर देन बीइंग सोल्ड टू फाइनल परचेजर्स आर नॉट काउंटेड एज इट वुड इन्वॉल्व डबल काउंटिंग. इंटरमीडिएट गुड्स जो आपके दूसरे गुड्स को बनाने में यूज होते हैं, रादर देन बीइंग सोल्ड टू फाइनल परचेजर्स, आप उन्हें फाइनल परचेजर्स को नहीं बेच रहे, आप उसको नहीं काउंट करोगे, क्योंकि इससे आपकी डबल काउंटिंग हो जाएगी. एक एग्जांपल से समझते हैं. सर समझ में नहीं आया? सर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैं एक कार बना रहा हूं तो कार के अंदर मैंने ऑलरेडी टायर्स का रेट जोड़ा हुआ है, तो क्या मैं टायर्स का रेट ऑलरेडी ऐड करूंगा या नहीं करूंगा? क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने इसको कार के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया. क्या मैं कार की वैल्यू अलग लिखूं, टायर की वैल्यू अलग लिखूं? ये क्या कर दी मैंने? डबल काउंटिंग कर दी. तो क्या कह रहा है? जो फाइनल परचेजर के पास नहीं जा रहा, ठीक है ना, विच इज यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड. टायर किसके लिए यूज होते हैं? कार बनाने के लिए. तो क्या मैं उसको इंक्लूड करूंगा? द आंसर इज नो. इकोनॉमिक एक्टिविटीज गुड्स एंड सर्विसेज
प्लस एक्सचेंज इन द मार्केट, नॉन इकोन, ये नॉन इकोनॉमिक कर लो इसको, नॉन इकोनॉमिक था ये। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो गई आपकी, गुड्स एंड सर्विसेज विच के नॉट बी एक्सचेंज इन द मार्केट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड करती है कि क्या वो उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं मार्केट के अंदर या नहीं। ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द करंट पीरियड, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करे करंट पीरियड में, जैसे कि प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल अंडर कंसीडरेशन, मतलब हम इसका क्या निकालेंगे, अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम निकालेंगे सिर्फ वही वाले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट कहता है द वैल्यू ऑफ सर्विसेज दैट अकंपनी द सेल एंड परचेज रिप्रेजेंट्स करंट प्रोडक्शन एंड इज देयरफॉर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो भी सर्विसेज होती हैं सेल परचेज को लेके, वो भी आपकी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, जो क्या कर रही हैं बेसिकली सपोर्ट कर रही हैं प्रोडक्शन के लिए। जैसे एग्जांपल इसमें क्या दिया, फीस पे टू अ रियल एस्टेट एजेंट एंड लॉयर्स। अब क्या होता है, आपने सेल परचेज करना है, आपने प्रॉपर्टी बेचनी है, या भी बहुत सारे काम है जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो भी आपकी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है नेशनल इनकम कंपटीशन के अंदर। टू टाइप्स ऑफ गुड्स यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर काउंटेड इन जीडीपी, नेमली कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आपके दो ही हो सकते हैं, या तो आपका क्या हो सकता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेट्रा। इन्वेंट्री क्या हो सकती है आपकी, इन्वेंट्री हो सकती है जो बेसिकली आपकी फाइनल गुड्स या रॉ मटेरियल में नेट चेंज आया, क्योंकि आपको क्या करना है, नेट चेंज का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इससे आपको क्या पता चल गया, साल भर में स्टॉक का फ्लक्चुएशन कितना हुआ है। तो दो टाइप की हो गई आपकी, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई, एक आपकी क्या हो गई, इन्वेंटरी हो गई। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आता है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, जीडीपी एट करंट एंड कॉन्स्टेंट प्राइजेस। देखो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी है जो आज के करंट मार्केट प्राइजेस आप यूज कर रहे हो। रियल जीडीपी क्या होता है आपका, देखो क्या लिखा है, यही चीज मैं आपको यहां से पढ़ा देता हूं, करंट मार्केट प्राइसेस, ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, करंट प्राइसेस, ठीक है। रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या हुआ, हमने कोई ले लिया बेस ईयर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बेस ईयर ले लिया हमने 2001-2002, हमने इस ईयर को बेस बना के चल रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो भी प्रोडक्शन में चेंज आएगा तभी हमारे रियल जीडीपी में चेंज आएगा। लेकिन नॉमिनल जीडीपी क्या कहता है, अगर मार्केट प्राइस में चेंज आ जाएगा तो आपकी प्रोडक्शन की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, यानी प्रोडक्शन एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में आपका नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज तब हो जाएगा अगर आपकी मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाती है। बट इट्स नॉट द केस विद रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कहता है एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तभी आपका रियल जीडीपी इंक्रीज होगा। इसके बाद आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको क्या बोलता है, कहता है इट इज अ मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर क्या बोल गए, समझ नहीं आया बेटा, ये वही डेफिनेशन है जो मैंने नेशनल इनकम पढ़ाते हुए बोली थी बेटा आपको। मैंने बेटा आपको क्या बोला था, मैंने कहा था कि जो भी आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हो उनकी वैल्यू, उनकी मार्केट वैल्यू, डेप्रिसिएशन मत हटा देना, जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनाते हो आप, इंक्लूडिंग योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर अगर जीडीपी एमपी को बोलूं तो जीएनपी एमपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब पढ़ते हैं छोटा छोटा लिखे, NFIA is the difference between the aggregate amount that a country citizen and companies earn abroad and the aggregate amount that foreign citizens and overseas company earn in that country। देखो क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हुआ,
देखो मैं एक सिटीजन हूँ कंट्री का, इंडिया का मैं सिटीजन हूँ, मैं बाहर गया और मुझे वहां से कुछ इनकम हुई, कोई बाहर का सिटीजन, जिसे मैं फॉरेन सिटीजन बुलाता हूं, जो फॉरेन सिटीजन है वहां का, वो यहां पर आ गया, ठीक है जी, और उसने यहां से अर्न करा, नहीं समझे इसमें क्या बोलता है? ये कहता है जो हमारे कंट्री सिटीजन्स ने बाहर अर्न करा एंड द एग्रीगेट अमाउंट दैट फॉरेन सिटीजन्स एंड ओवर कंपनीज अर्न इन दैट कंट्री, तो दोनों का नेट हो जाएगा आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने आपको क्या बोला, जो हम गए वहां हमने कमाया और उन्होंने जो कमाया, दोनों का क्या आ गया आपका, बेसिकली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। डिफरेंस मतलब आप इन दोनों का ले लोगे डिफरेंस। इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव देन जीएनपी एमपी वुड बी ग्रेटर देन जीडीपी एमपी। मतलब अगर आपका एनएफआईए क्या है, पॉजिटिव है, एनएफआईए पॉजिटिव है, तो क्या होगा आपका, उन्होंने ये बोला आपका जीएनपी एमपी वुड बी ग्रेटर देन जीडीपी एमपी। जाहिर सी बात है, अगर एक एग्जांपल लूँ, ये अगर मेरा 10,000 है जीडीपी एमपी और ये मेरा एनएफआईए 2,000 है, तो जीएनपी एमपी कितना हो जाएगा, 12,000, जो जीडीपी एमपी से बड़ा होगा। लेकिन अगर ये माइनस हो जाता तो आपका जीएनपी एमपी कितना हो जाता, 8,000 रुपये, जो आपका जीडीपी एमपी से कम हो जाता। जाहिर सी बात है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है तो आपका जीएनपी एमपी बड़ा होगा जीडीपी एमपी से, जाहिर सी बात है। यू माइट हैव नोटिस द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिला दें तो क्या बन जाता है आपका, नेशनल। अगला आता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम बुलाते हैं एनडीपी एमपी, ठीक है। एनडीपी एमपी क्या कहता है, इट इज अ मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय इट्स नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर लेस डेप्रिसिएशन। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, हमें क्या करना है, जीडीपी एमपी के अंदर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, जो इन्होंने नीचे करके दिखा रखा है। एनडीपी एमपी क्या है आपका, एनएनपी एमपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एनएनपी एमपी क्या है बेसिकली आपका, एनएनपी आपका नेशनल लेवल पर है, एनडीपी आपका किसका है, डोमेस्टिक लेवल पे है। आप माइनस करके देखेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी एमपी, सिर्फ डेप्रिसिएशन का फर्क है। इसके बाद आता है आपका एनएनपी एमपी। एनएनपी एमपी क्या कहता है सर आपका, इट इज अ मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू। सेम लैंग्वेज यूज होगी, सिर्फ आपको इतना समझना है एनएनपी एमपी क्या है आपका, जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों भाई, क्योंकि वो नेशनल है, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाएगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल निकल के आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जीडीपी एमपी में एनएफआईए ऐड कर दो, इसको मैं एनएफआईए भी बुला सकता हूँ, एनएफआईए, और डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, रीजन भी क्योंकि मैं नेट निकाल रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, जीडीपी एमपी के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करी, मेरा क्या आ गया, जीएनपी एमपी आ गया, उसमें मैंने डेप्रिसिएशन हटा दिया, मेरा क्या आ गया, एनएनपी एमपी आ गया। दूसरा तरीका है एनडीपी एमपी के अंदर मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया। इसके बाद आता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी सर फैक्टर कॉस्ट क्या है, देखो बेटा, द प्रोडक्शन एंड इनकम अप्रोच विच वी विल डिस्कस लेटर इन दिस यूनिट मेजर द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज द कॉस्ट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो बेटा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमने एक प्रोडक्ट बनवाना है, उस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए हम फैक्टर्स को एंगेज करते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं आपके, लैंड होती है, लेबर होती है। लैंड के लिए आप क्या देते हो, रेंट देते हो, लेबर के लिए आप क्या देते हो, वेजेस देते हो, ठीक है बेटा। अब मैंने ये बोला कि इन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड करी, इनकी सर्विस यूज करके मैंने प्रोडक्शन करी, तो क्या ये उस इनकम के हकदार नहीं है। तो मैंने एफसी को क्या बोला, एफसी माने कॉस्ट जो मैंने पे करी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को,
मैंने क्या बोला, जो भी मैंने कॉस्ट पे करी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, दैट इज माय फैक्टर कॉस्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया? नहीं समझ आया, अभी आगे और समझते हैं. देखो मार्केट प्राइस क्या है बेटा आपका, मार्केट प्राइस है आपका फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्योंकि बेटा एक चीज बताओ, आपने क्या करा, आपने फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करे होंगे, तब जाके वो मार्केट प्राइस बनेगा, ठीक है ना. लेकिन आपको गवर्नमेंट से सब्सिडीज भी मिलती हैं कभी कभी, आपको अगर पता हो तो. आपने क्या बोला कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है आपके, आईटी माइनस सबसी, और ऐड क्या कर दिया सर इसमें आपने, ऐड इसमें आपने एफसी कर दिया. तो मेरे को सिर्फ डिफरेंस बताना है मार्केट प्राइस और एफसी का, यानी एमपी और एफसी में किसका डिफरेंस है सर, सर आईटी माइनस सब्सिडी, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का. वही चीज नीचे लिख रखी है, आईटी माइनस सब्सिडीज का. बस कुछ नहीं करा इन्होंने, फिर इस फॉर्मूला को घुमा दिया, फैक्टर कॉस्ट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस उधर ले गए. तो इन्होंने क्या करा, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. कुछ नहीं करा, सिर्फ फॉर्मूला को हिला रहे और कुछ नहीं कर रहे. फिर नेक्स्ट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एफसी कैसे निकलता है सर ये, सर जीडीपी एमपी में से क्या माइनस करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी. सर ये क्यों करा बेटा, अभी देखो फैक्टर कॉस्ट जो मैंने निकाली थी इसमें मैंने क्या करा था बेटा, एमपी में से माइनस कर दिया था सारे के सारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो बेटा मैंने वही करा, जीडीपी एमपी में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करे और सब्सिडीज ऐड कर दी. इसके बाद कंपेंसेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके अंदर मेरा रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आ गया, या फिर डेप्रिसिएशन आ गया. इसमें एक दो चीजें मैं आपको समझाता हूँ. देखो आपने एम्प्लॉइज को रिक्रूट करा प्रोडक्शन के लिए, आपने उनको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करी जिसको मैंने सैलरी या वेजेस बोला. आपको ऑपरेटिंग सरप्लस हुआ कैसे भैया, लैंड यूज करी थी, रेंट मिला उससे, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स जनरेट हुए आपको, जाहिर सी बात है. सर ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? देखो बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, जिसको किसी ने एम्प्लॉय नहीं करा हुआ है, उसने खुद से कुछ अपना बिजनेस सेटअप करा हुआ है. अब होता क्या है, कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, कोई डॉक्टर का काम करता है, कोई लॉयर का काम करता है, कुछ अपने लेवल पे कर रहे हैं, नोबडी इज रिक्रूटिंग देम, एम्प्लॉय नहीं है वो कहीं पर. सेल्फ एम्प्लॉयज मतलब खुद का काम है. अब पॉइंट ये आता है, देर आर वेराइटी ऑफ पीपल जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो खुद से एम्प्लॉयड हैं, खुद का काम कर रहे हैं. अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इतनी वेराइटी ऑफ इनकम है, सबको अलग से लिखने का कोई फायदा नहीं है. तो उन्होंने क्या करा, उसके लिए उन्होंने एक मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का एक टॉपिक खोल दिया, एक हेड खोल दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें सारी इनकम आ जाएंगी जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, हम इसके अंदर स्पेसिफिकली कोई बायफर्केशन नहीं करके दिखा रहे. तो मिक्स्ड इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, सारे सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनकी जो भी इनकम आ रही है वो इसके अंदर एड हो जाएंगी. लास्ट इज योर डेप्रिसिएशन, पता है आपको क्यों, क्योंकि ये ग्रॉस है. फटाफट समझते हैं, अब आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या आता है सर आपका, टोटल फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है. इसको कैसे निकालोगे, एनडीएफपी एफसी. देखो सर मार्केट प्राइस में से ना हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा. एनडीपी एमपी में से क्या माइनस हो जाएगा बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएगा. इसके अंदर फिर वही आपको करना है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है बेटा. सर इसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन नहीं लिया बेटा, डेप्रिसिएशन हमने उसके अंदर क्यों लिया था, क्योंकि ये ग्रॉस था बेटा, ये आपका नेट है, फर्क यही आ गया. यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे, नॉट टू इंक्लूड डेप्रिसिएशन, रीजन साफ है, वो ग्रॉस था, ये आपका नेट है. ये समझते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी और नेशनल इनकम. एनएनपीएफसी कैसे निकलता है आपका, जिसको हम नेशनल इनकम बुलाते हैं, दिस इज योर फैक्टर इनकम अर्नड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड. मतलब एक तो आपकी यहाँ की इनकम भी हो गई, एक आपकी
अब्रॉड की इनकम भी हो गई, दोनों को ऐड करके आपकी क्या निकल के आ जाएगी, नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी, जिसको हम क्या बुलाते हैं, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, देखो जी, द जीडीपी पर कैपिटा इज अ मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन। मैंने क्या करा, सबसे पहले टोटल इकोनॉमिक आउटपुट निकाला और उसे मैंने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, तो मेरा क्या निकल के आ गया, पर कैपिटा इनकम निकल के आ गया, मतलब एक बंदा कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपका पर कैपिटा इनकम बताता है। बेसिकली क्या है, कंट्री का इकोनॉमिक आउटपुट क्या है, कंट्री की इनकम है, तो मैंने क्या बोला, नेशनल इनकम पर पर्सन। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ, एक बंदे की कितनी कमाई है। मैंने सारी प्रोडक्शन ले ली, उसके ऊपर मुझे इनकम का पता चल गया, बिकॉज नेशनल इनकम मैंने निकाल ली। अब मैंने सब टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दिया, मुझे क्या पता चल गया, पर कैपिटा इनकम पता चल गया। इट इज डिवाइडेड बाय कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन बाय द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पॉपुलेशन से ही होता है। हमने क्या लिया इसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दी और हमने उसे पॉपुलेशन से कर दिया डिवाइड। उसके बाद पॉइंट आता है आपका, इट सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक इंडिकेटर होता है कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड्स। बेसिकली क्या है, हाउसहोल्ड्स, इसके अंदर एनपीओस भी आ गए, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम बोलते हैं। बस फर्क इतना आता है, पर्सनल इनकम के अंदर नेट इनकम, ये क्या है आपकी नेशनल इनकम में आपको इनकम रिसीव जो हुई लेकिन आपने अर्न नहीं करी, वो आपको एड करनी है। रिसीव तो कर ली लेकिन आपने अर्न नहीं करी थी, इसका मतलब क्या होता है, ये होती है आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, हम इसको बुलाते हैं, जो एक्चुअल में आपने अर्न नहीं करी बट हां आपको रिसीव हुई है। नेक्स्ट इज योर इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड का मतलब अर्न तो करी है लेकिन रिसीव नहीं करी, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं आपके प्रॉफिट्स ऑफ योर कंपनी। अब देखो क्या है, प्रॉफिट्स ऑफ योर कंपनी का मतलब क्या है, आप इंप्लॉई हो, आपको सैलरी मिलेगी, आपकी वजह से प्रॉफिट्स तो हुए हैं लेकिन आपको नहीं मिलेगा वो प्रॉफिट, वो कंपनी का प्रॉफिट है। मतलब आपने क्या बोला, नेशनल इनकम के अंदर आपको इनकम रिसीव बट नॉट अर्न लेना, जिसके लिए मैंने ट्रांसफर पेमेंट्स का नाम यूज करा। ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर आपको क्या हो जाता है, बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट्स इज योर पेंशन। रिसीव तो हो रही है बट अर्न नहीं करी आपने, पेंशन आपको पिछले काम करने की वजह से मिल रहा है लेकिन आगे नहीं काम कर रहे आप, आगे इसलिए आपको पेंशन मिल रही क्योंकि आपने पिछले सालों में काम किया था। इनकम इज रिसीविंग बट यू हैव नॉट अर्नड इट, बट इनकम अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई, आपको प्रॉफिट्स हुए आपकी कंपनी को बट आप इंप्लॉई हो वहां पे, जाहिर सी बात है प्रॉफिट्स मिलने चाहिए थे आपको क्योंकि उस प्रॉफिट में आपका भी हिस्सा है, बट आपको मिलेगा नहीं, आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, लेस हो जाएगी। अब ये डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है, डिस्पोजेबल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में कितना पैसा है जिसको वो या तो कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने के बाद क्या रहता है सर, सेविंग्स हो जाती है। तो इसने क्या बोला, इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ द मनी इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट इज अवेलेबल फॉर देयर कंजम्पशन और सेविंग्स। या तो कंज्यूम होगा या फिर आपका सेव होगा, दो ही केस हो सकते हैं, या तो कंज्यूम हो जाए वर्सेस आपका क्या हो जाए, सेव हो जाए। मतलब बेसिकली आप इस इनकम को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब होता है या तो आप इसे कंजम्पशन के लिए यूज करोगे या फिर जो पैसा बच जाएगा आप उसे सेव कर लोगे फ्यूचर के लिए। तो मैंने क्या बोला, डिस्पोजेबल इनकम क्या हुई, पीआई में से पर्सनल इनकम टैक्स। जाहिर सी बात है आप इनकम कमाते हो, आप उसमें से टैक्सेस देते हो गवर्नमेंट को, आपके पास क्या बच जाती है, डिस्पोजेबल इनकम बच जाती है जिसको आप कंजम्पशन या सेविंग्स के लिए यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। सबसे पहले समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो बेटा, प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, फिर क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर इनकम का, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। फिर वो क्या करते हैं, बेसिकली वो उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, या तो उसको कंज्यूम करते हैं या फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो तीन चीजें हो गई आपकी, ये हो गई आपकी प्रोडक्शन, ये हो गई आपकी इनकम, और आपका ये क्या हो गया जब आप इसे करते हो एक्सपेंड, जिसे मैं क्या बोलता हूं, एक्सपेंडिचर। तो एक पर्टिकुलर नेशनल इनकम के थ्री साइड्स हैं, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। सबसे पहले समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड, जिसे मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट मेथड बोला, जिसे मैंने प्रोडक्शन मेथड भी कह सकता हूँ, वीए मेथड बोल सकता हूँ जिसे मैं। सबसे पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, देखो बेटा कहता है आइडेंटिफाइंग द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस एंड क्लासिफाइंग देम इनटू डिफरेंट सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर एक्टिविटीज। बेटा देखो क्या होता है, बहुत सारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, बट हमें उनकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने क्या करा, ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में एंटरप्राइजेस को हमने बांट दिया। बेसिकली तीन सेक्टर्स होते हैं आपके, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है आपका टर्जरी। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो आपका एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, ठीक है। सेकेंडरी कौन सा हो गया आपका, सेकेंडरी हो गया जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। टर्जरी सेक्टर कौन सा हो गया, जो सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, वो आपके कौन से हो जाते हैं, वो आपके टर्जरी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई करके उन्हें तीन सेक्टर्स के अंदर सबसे पहले बांट दो। फिर इन्होंने क्या बोला, दीज सेक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू सब सेक्टर्स एंड ईच सब सेक्टर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू कमोडिटी ग्रुप और सर्विस ग्रुप। मैंने क्या बोला, इनको सबसे पहले हमने सब सेक्टर्स में डिवाइड करा और एक हर सब सेक्टर को हमने कमोडिटी ग्रुप या फिर एक सर्विस ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। स्टेप नंबर टू कहता है एस्टिमेटिंग द ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। जो जो वैल्यू एड कर रहे हैं सारी की सारी हम क्या कर देंगे, एड कर देंगे। क्या क्या होता है सर आपका, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी मैं क्या ले लूंगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्या बताता है मुझे, प्रोडक्शन बताता है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन में एड माइनस कर दूंगा। उसके बाद कहता है एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट नेट वैल्यू एडेड इज फाइंड आउट। नेट वैल्यू एडेड कैसे निकलता है भैया, जीवीए एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करे, सेक्टर्स में बांटा, फिर हमने सबकी जीवीए एमपी निकाली, फिर हमने उसकी एनवीए एमपी निकाली। सब सेकंड स्टेप हमने क्या करा, जीवीए एमपी निकाली। थर्ड स्टेप हमने क्या करा, एनवीए एमपी निकाली। कैसे निकाली, डेप्रिसिएशन माइनस करके। फिर एनवीए एमपी में से हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें एमपी से एफसी पे आना था, ठीक है जी। हमने एनवीएफसी निकाल दिया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा निकल गया, लेकिन हमें तो नेशनल इनकम निकालनी है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम, जिसे हम बुला देंगे एनएनपीएफसी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इनकम मेथड। देखो दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं चलो इस मेथड को। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने करी आइडेंटिफाई करी यूनिट्स, फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने जीवीए एमपी निकाला, जीवीए एमपी के बाद एनवीए एमपी निकाला, एनवीए एमपी कैसे निकाला, जीवीए एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। एमपी से एफसी पे आना था, क्या करा हमने, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए, उसके बाद हमें उसे नेशनल इनकम पे लाना था, हमने उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एड कर दी। इनकम मेथड समझते हैं एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी के अंदर क्या होता है बेटा आपका, उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है बेटा, क्योंकि डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क सिर्फ किसका है सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का।
सम ऑफ फैक्टर इनकम्स पेड आउट बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इनकम का मतलब क्या है, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो जो इनकम पे करी है उसका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, उससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपीएफसी निकल के आ जाएगा। क्या क्या होगी आपकी इनकम, एक तो कॉम्पेंसेशन ऑफ योर एम्प्लॉइज होगी, ऑपरेटिंग सरप्लस होगा जिसमें रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट आ जाएगा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाएगी और साथ के साथ आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। रीजन भी आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो, नेशनल इनकम के अंदर आपकी डोमेस्टिक प्लस योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आती है। लास्ट मेथड इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। द बिलो मेंशन आइटम्स आर एडेड अप टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। The below mentioned items are added up to calculate national income. सबसे पहले बोलता है आपको final consumption expenditure. देखो इसके अंदर दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं, इसमें total तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज है आपकी private final consumption expenditure, जिसको हम बोलते हैं PFCE. The volume of final sales of goods and services to consumer households and non-profit institutions serving households acquired for consumption, not for use in production, are multiplied by market prices and then summation is done. जो भी हमने final sales करी ना इनको, private final consumption expenditure का मतलब क्या हुआ, मैं अपनी consumption के लिए products खरीद रहा हूँ, क्योंकि हुआ क्या, मैंने इसको एक्सपेंडिचर में यूज करा, जो मुझे इनकम मिली मैं उसको क्या करूंगा, स्पेंड करूंगा, उसको स्पेंड करूंगा तो क्या होगा, फाइनली एट द एंड क्या हो रहा है, मेरी प्रोडक्शन बिक रही है, मैं अपनी कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा हूँ, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर रहा। उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ मैं ही नहीं खरीद रहा, मेरे जैसी बहुत सारे कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स खरीद रहे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस खरीद रहे हैं, तो क्या करूंगा, सबका सम कर दूंगा और सम करने के बाद मुझे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पता लग जाएगा। नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिंग। इसके अंदर क्या आता है आपका, मनी स्पेंट बाय गवर्नमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ दी सर्विसेज सच एज डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर। अब गवर्नमेंट भी बहुत सारा सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली मनी स्पेंट करती है, जैसे डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। हम क्या करेंगे, बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या करा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्पेंड करा, उसको हमको एड करना है। नेक्स्ट इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या आ जाता है आपका, फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी इक्विपमेंट, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन चेंजेस इन इन्वेंटरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल सच एज ज्वेलरी एंड वर्क ऑफ आर्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक वर्किंग कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर मेरा क्या आ गया, सारी की सारी मेरी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि क्या मैं सिर्फ अपने खाने पीने के लिए यूज करता हूँ, एक्सपेंडिचर करता हूँ, नहीं जी, मैं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लास्ट आता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन योर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। आपने एक्सपोर्ट्स करा पैसा मिला, इंपोर्ट करा पैसा देना पड़ा, तो नेट इनकम क्या होगी आपकी, जो आपने दिया, जो आपको मिला माइनस आपने दिया, यानी आपका नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्सपोर्ट्स एंड योर इंपोर्ट्स। लास्ट पॉइंट आता है आपका सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स। इसके बाद लिमिटेशंस रहती हैं, ये हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसके बाद हम इस चैप्टर को, इस यूनिट को वाइंड अप कर देंगे यहीं पर। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। फॉर्मूलाज हैं इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, उन फॉर्मूलाज को आप कैसे याद करेंगे, आप बार 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 एक चीज को पढ़ेंगे तभी आपको फॉर्मूलाज रिवाइज हो पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इन फॉर्मूलास को रिवाइज करें, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा दो से तीन, उसमें सारे फॉर्मूलास लगने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इकोनॉमिक स्टफ नहीं है, हाँ थोड़ी थ्योरेटिकल है, आपको खुद से भी टाइम लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर ग्रिप ला सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.